पैसों से कीमती संबंध होते हैं। पैसों से कीमती क्या होता है? संबंध। आजकल के लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं। अरे पैसा तो फिर बाद में आ जाएगा, पर संबंध चले गए तो संबंध कभी नहीं बनते। याद रखना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करते समय तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि तुम कितने धैर्यवान हो। सबकी परीक्षाएं होती हैं, फर्क इतना है कि कोई उन परीक्षाओं में पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। कोई जरा सा धन का अभाव होने पर अपना आपा खो बैठता है और आग बबूला होकर लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, तो कुछ उस समय को भी सहन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कोई बात नहीं, आज ये दिन है, कल दिन बदलेंगे, समय बदलता है। बस आप अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जीवन में बहुत कुछ देखना होता है। हानि लाभ अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार बने रहे। एक सज्जन ने कथा कराई, सात दिन की कथा हुई, पूरी कथा हुई, सब कुछ हुआ आनंद से। अब उनसे कहा गया कि भाई ये जो लोग आए हैं साथ में, उनको दान दक्षिणा आप दीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी एक घंटा रुकिए, हमारे लोग आ रहे हैं, वो पैसे लेके, हमारे पास पैसे नहीं है, वो ला रहे हैं। एक घंटा रुक गए, एक घंटे बाद फिर, अच्छा दो घंटे रुकिए, दो घंटा रुक गए, अच्छा एक घंटा और रुकिए, फिर एक घंटा, चार घंटे हो गए। अब हम लोगों के जाने का समय था, ट्रेन का समय हो रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिएगा, आप जाइए आराम से, हम कल चेक लगवाते हैं आपके खाते पर। हम लोग आ गए वापस सारे। वो दिन था कि आज का दिन है, मैंने पलट कर उन्हें फोन नहीं लगाया कि आपने चेक लगाया कि नहीं, और आज तक उनका चेक लगा ही नहीं, आज तक उनका कोई चेक नहीं लगा। ना हमने फोन लगाया कि आपने क्यों नहीं लगाया, ना उन्होंने फोन लगाया। हमें पता था। एक बात बताएं भक्तों, गीता में लिखा है तू कर्म कर फल मैं दूंगा। सच्ची बताऊं, संसार के लोग आपको क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। इसलिए तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो, तुमने अपनी मेहनत की है तो उसका फल ये संसार के लोग क्या देंगे, देने वाला तो भगवान है। मुझे विश्वास है कि संसार के लोग नहीं देते, परमात्मा ही किसी ना किसी से दिलाते हैं। इसलिए मैं कभी टेंशन नहीं पालता, मैं कभी चिंता नहीं करता। कोई दे तो बढ़िया, ना दे तो भगवान खूब कृपा करें। हमें पता है हमारी मेहनत का परिणाम भगवान देंगे। हमारी पसीना, हमारी मेहनत, हमारा पसीना बहता है, हमारी मेहनत होती है, तो हमारी मेहनत को कोई देखे ना देखे, संसार के लोग देखे ना देखे, पर मेरे गोविंद तो मुझे देख रहे हैं ना, बिहारी जी तो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या देना है क्या नहीं, वो देते हैं। इसलिए हम आपसे इन कथाओं के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि आप मेहनत पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल भगवान पर छोड़ दो, विधाता तू देते रहना, जो तुझे मर्जी हो तू देना। और मैं एक बात बताऊं भक्तों, उस परमात्मा ने इतना दिया, उन लोगों के हाथ ना सही, किसी और के हाथ परमात्मा ने इतना दिलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, उससे ज्यादा। बस आपको धैर्य रखना होगा, संयमी होना बनना पड़ेगा। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में भी इस स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा, वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको परास्त पराजित होने नहीं देंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य घबरा सकता है, सत्य डगमग डगमग डोल सकता है, पर सत्य कभी हार नहीं सकता, हारने नहीं देंगे भगवान।
बस ये विश्वास बना के रखिएगा अपने जीवन में। इंसानों से ज्यादा, व्यक्ति से ज्यादा भरोसा किस पर होना चाहिए? पहला विश्वास अपने कर्म पर हो के मैं कर्म कर रहा हूं ईमानदारी से, और मेरे कर्म का फल देने वाला कौन कौन? तुम मेहनत करना मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे नौजवान दोस्तों, तुम भगवान को टारगेट करके, ईश्वर मेरा साक्षी है मेरी मेहनत का परिणाम भगवान देंगे, इस भाव से मेहनत करो, देख लेना कि तुम कहाँ थे, कहाँ पहुंच जाओगे। केवल परमात्मा में विश्वास करके चलना, ये मेरा अनुभव है। मैं जो भी कह रहा हूं मेरे सारे जीवन का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कह रहा हूं। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। उतार चढ़ाव बहुत होते हैं जीवन में, पर व्यवहार ना बिगड़ने पाए, आपकी वाणी ना बिगड़ने पाए, आपका स्वभाव ना बिगड़ने पाए, हर परिस्थिति में भूखा रहना पड़ा भूखे रह लो, खाने को नहीं मिला हम भूखे रह के। हमने आपको बताया था कि एक बार हम बीमार पड़ गए थे, मलेरिया हो गया था, 103 बुखार था हमें, शरीर थर थर कांप रहा था, बिस्तर पे बैठा नहीं जा रहा था। उस हाल में भी हमें कथा करनी थी, पर बिहारी जी, मुझे विश्वास था कि भगवान लाज जरूर रखेंगे। मैं व्यास गद्दी में जाके बैठा, 3.5 घंटे कथा 3 घंटे सुनाई, और श्रोताओं को ये मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और व्यास गद्दी से उतर कर जब मैं कथा से जब कमरे में गया तो बिस्तर पर लेट गया, और लेटा लेटा कब तक लेटा रहा, बोले दूसरे दिन की कथा का जब समय आया तब ही उठता था। मतलब इतना हालत खराब थी, मलेरिया हो गया था। वो यजमान आज भी है, वो श्रोता आज भी है, उन्हें पता ही नहीं लगने दिया मैंने कि मैं बीमार हूं, ऐसी हालत खराब थी। लेकिन हर हाल में मैंने मेहनत को चुना है, मैंने मेहनत, बीमार पड़ने पर भी। मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं छत से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, कोल्हू टूट गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, और मैं 1 तारीख को गिरा था और 3 तारीख से कथा थी। 1 तारीख को गिरा था, 20 फीट ऊपर से कोल्हू टूट गया था और 3 तारीख से कथा थी। जिनके यहाँ कथा थी उन्होंने कहा गुरुजी आप आ नहीं रहे हैं, हमने कहा हम हॉस्पिटल में हैं, बोले हम लोगों ने तैयारी कर ली कथा की, क्या करें हम, हमने कहा आगे बढ़ा दो, हम चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आगे नहीं बढ़ा सकते, प्रचार हो गया है, आपको आना पड़ेगा। हमने कहा तो फिर ठीक है हम आ रहे हैं, कोल्हू टूटा पड़ा है, हम बोले आ रहे हैं, हमने बोल तो दी आ रहे हैं, पर डॉक्टर को पता चला कि आदमी जाने वाला, डॉक्टर ने रोका, मर जाओगे जाओगे तो, फ्रैक्चर है, हड्डी भूसा हो गई है, चूरा हो गई है। फिर जैसे तैसे 2 महीने हम बेड में ही रहे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद तब भी नहीं छोड़ा, शिकायत हमने तब भी नहीं की। हम चाहते तो कह सकते कि तुम्हारा इतना नाम जपते हो तुमने पांव तोड़ दिया, ना मैंने कभी ये नहीं कहा विधाता से, विधाता ये पांव दिए भी तो तुमने ही हैं, जब तुम्हें मर्जी हो तो तुम ले लेना, हम शिकायत नहीं करेंगे, हमारे सारे शरीर में आपका अधिकार है, जब चाहो जो अंग चाहो ले लेना, हमारा तो है ही नहीं, क्या हमारा बताओ, हमारे शरीर पर क्या हमारा अधिकार है, किसने दिया, दिया उन्हीं ने है, मर्जी आपकी, मैं तो आपके पांव से चल रहा हूं, जब तक मर्जी हो चलाना, नहीं मर्जी आपकी, मैं कभी शिकायत नहीं करता किसी से, ना मैं आपसे कभी शिकायत, मुझे किसी से शिकायत नहीं, ना आपसे शिकायत है, ना भगवान से शिकायत है, ना घर परिवार में किसी से शिकायत है। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, जी लो और अपना आगे चलो, कहाँ शिकायतों भरा जीवन जिएंगे, हम कोई यहाँ ठेका लिखा के छोड़ी आए हैं सारी जिंदगी यहीं रहेंगे, हम तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए जीवन खुशी से जीते हैं, आज को हम आनंद से जी लेते हैं, कल आएगा तो कल भी जी लेंगे, नहीं आएगा तो राम राम, पर आज है तो जियो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है,
आज हम खोए क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आज हम हंस सकते हैं, हंसो, कल देखेंगे क्या होगा। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी तो मर लेंगे। कई लोग मौत के बारे में, अरे मरे ना महाराज, मरे ना, मरे ना, मरे ना, कब तक बचोगे। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। अरे मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं मिटाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। बस जीवन में जब कोई कष्ट आए तो समझ लेना कि ये कष्ट तुमने कोई पाप किया होगा, इसका दंड विधाता ने तुम्हें दे दिया। ये ईश्वर की रचना है, ये ईश्वर का हिसाब है। सब कुछ भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। भगवान पे हमारा काम है विश्वास करना। इसलिए मेरी प्रार्थना फिर से रहेगी आपके लिए कि आपको अपना विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए। ये विश्वास यदि है तो जीत आपकी होगी, और यदि विश्वास नहीं है तो फिर देखो हार जाओगे। अर्जुन को विश्वास था भगवान पर, इसलिए अर्जुन के एक तरफ भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी। एक तरफ भगवान थे और दूसरी तरफ नारायणी सेना थी। दुर्योधन को विश्वास था कि कृष्ण तो निहत्था है, ये तो लड़ेगा नहीं, क्या करूंगा, नारायणी सेना ले लेता हूं, वो ज्यादा पावरफुल होगी। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था और दुर्योधन को कृष्ण की सेना पर विश्वास था। बस मेरी माँ, जिसे भगवान पर विश्वास होगा वही जीतेगा, और जिसे भगवान की सेना पर विश्वास है वो कैसे जीतेगा। विश्वास भगवान पर होना चाहिए, इसलिए वो विश्वास कभी जाने ना देना, कभी ना जाने देना। विश्वास सबसे बड़ा धन है हम सबका।